Assalamualykum, वेलकम बैक। ये लास्ट वीक का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत छोटा सा व्लॉग है। जिस दिन मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया था तो उस दिन हम सवेरे बाहर निकले और हम आए हैं लुलू, क्योंकि आसिम के लिए कुछ चीज़ें हमें लेनी थी स्कूल के लिए। तो बस मैं और आसिम अब यहाँ पर बैठे हुए हैं बाहर, लुलू के बाहर। तो अभी हम अंदर जाएंगे और जल्दी से जो है जो भी चीज़ें हमें लेनी है वो लेंगे और फिर से मैं आपको मिलती हूँ। एट ओ क्लॉक हम लोग आए थे लुलू, और लुलू जब बंद था और तब हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी में बैठ करके हमने ब्रेकफास्ट किया जब तक जो है लुलू ओपन हो गया था। 8:15 या 8:20 को लुलू ओपन हो गया था। फिर हम लोग आए और जो आसिम के लिए स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए थी वो लिए। आसिम के लिए स्कूल की बैग लेनी थी। जब हम ले रहे थे तो अलीज़ा जो है बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि उनको भी एक बैग चाहिए। फिर हमने अलीज़ा को समझाया भी, लेकिन अलीज़ा छोटी है तो उतना समझती नहीं है। 50% वो समझती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चे ज़िद करने लगते हैं। फिर हमने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, अब इनको ट्रॉली दिला देते हैं, लेकिन अब मैं जब घर जाऊँगी तो थोड़ी देर तो ये ट्रॉली के साथ खेलेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं इसको उठा कर रख देती हूँ। जब हम इंडिया जाएँगे तो इनकी जो ट्रॉली है इनको काम आ जाएगी। आसिम के लिए हमने स्कूल के लिए लिया है, वैसे अलीज़ा का तो बस ऐसे ही लिया है अलीज़ा के लिए, क्योंकि अब ये भी सोचा मैंने जब मैं इंडिया अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मुझे अलीज़ा के सारी चीज़ें अपने हैंडबैग में डालनी होती है। फिर मैंने ये सोचा कि अब ले लेते हैं, आगे जो है इनको काम आ जाएगी। घर पहुंचने के बाद थोड़े बहुत काम तो होते ही हैं, वो मुझे फिनिश करना है और मुझे लंच की तैयारी भी करना है। लंच में हो सकता है मैं बिरयानी बनाऊंगी, देखते हैं घर पहुंचने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगी। घर पहुंचने के बाद मैं कामों में उलझ चुकी थी और चीज़ें जो भी दिए थे वो भी मुझे सारे अरेंज करनी थी, वो मैंने कर लिया और अभी मैं बिरयानी बनाने के लिए आई हूँ। वैसे मैं सोच तो रही थी कि मैं बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन कंफर्म नहीं था। जो भी बिरयानी के लिए इंग्रेडिएंट्स होना होता है वो मेरे पास बहुत ही कम थे। फिर मैंने सोचा ठीक है इन कम चीज़ों के साथ ही मैं बिरयानी बना लेती हूँ। वैसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती है मेरी बिरयानी जैसे मैं बनाती हूँ घर में, वो सारी जो रेसिपी से मैं शेयर किया करूँ। ऐसा पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है जो मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन इतना तो है जब भी मैं घर पे बिरयानी बनाती हूँ बहुत ही डिलीशियस बनती है। मैंने एक दफ़ा बिरयानी रेसिपी भी शेयर किया था अपने चैनल पे, आई थिंक लास्ट ईद में मैंने शेयर किया था, लेकिन पता नहीं वो वीडियो कैसे डिलीट हो गई, शायद मेरे से डिलीट हो गई या बच्चों ने उसको डिलीट कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जो है मैंने बिरयानी की रेसिपी दी ही नहीं। मेरे जो पुराने व्यूवर्स है वो वीडियो को उन्होंने देखा था और काफ़ी लोगों ने मेरी बिरयानी रेसिपी को ट्राई भी किया था। मतलब ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं करती हूँ, मैं बस एक ही इंग्रेडिएंट अपना ऐड करती हूँ, उससे जो है बिरयानी और भी टेस्टी हो जाती है, एकदम जो हम 5-स्टार होटल में बिरयानी खाते हैं बस उस तरीके से बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कभी शेयर कर लिया करूँगी मैं रेसिपीज़ को भी। आपसे मुझे एक बात शेयर करनी थी, अब काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि आप हमारे मैसेजेस का क्यों रिप्लाई नहीं करते हो। अब थोड़े ये भी बोलने लगे हैं कि पहले मैं कमेंट्स का रिप्लाई किया करती थी लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ कमेंट्स को रिप्लाई। ऐसी बात नहीं है, कमेंट्स क्या होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है मुझे अभी तक पता नहीं चला। और जब स्पैम में चले जाते हैं ना तो वहाँ से हम कमेंट को अप्रूव नहीं कर सकते हैं, जबकि थोड़े जो कमेंट्स हैं वो रिव्यू में चले जाते हैं और वहाँ से मैं अप्रूव करके मैं कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। अब जो कमेंट्स अप्रूव नहीं होते पता नहीं क्या इसका रीज़न क्या है, वहाँ से मैं सिर्फ एक ही कर सकती हूँ, वहाँ से मैं डिलीट ही कर सकती हूँ कमेंट को। तो यही रीज़न है, आप मुझे प्लीज़ गलत मत समझिए, मैं सारे आपके कमेंट्स को रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में मैंने इतना तो जाना है कि कोई भी इंसान किसी के लिए दो शब्द अच्छे नहीं बोल सकते,
ये मैंने देखा है किसी के लिए दो शब्द अच्छे नहीं बोलते हैं, उल्टा जो है खामियां बुराइयां निकालते हैं। और आप सब लोग मुझे इतना एनकरेज करते हैं, इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स, अपना टाइम जो कीमती होता है वो आप निकाल कर इतने लंबे लंबे कमेंट्स आप लिखते हैं। उसी कमेंट्स से मुझे ये भी पता चलता है कि आप हम सबसे कितना प्यार करते हैं। लंच हमारा बन चुका है। इस बिरयानी को बनाने के लिए मुझे 40 मिनट्स लगे और मैंने डिनर के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया है। डिनर में भी हम बिरयानी ही खाएंगे। इसके साथ मैंने थोड़ा सा खीर बनाया है और ये बूंदी का रायता बनाया है। मुझे एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था, ये यूज़र आईडी है होम स्वीट होम, थिंक इनका नाम उमरा है मे बी, क्योंकि मुझे ईमेल आईडी पे एक दफ़ा मैसेज आया था। प्लीज़ सिस्टर, अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दीजिए कि मैंने आपका सही नाम लिया है या गलत। अगर मैंने गलत नाम लिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इनका मैसेज ये है कि अस्सलामुअलैकुम शबीन, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से मैंने कमेंट नहीं किया, बिज़ी थी बच्चों के एग्ज़ाम में। माशाल्लाह बच्चों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। आप प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग में मेरा बच्चों का नाम लें। उनका नाम है फ़ायज़ और अयान, वो भी मेरे साथ आपके वीडियोज़ देखते हैं और आपके कैट उन्हें बहुत पसंद है। वो भी ज़िद करते हैं कि मैं उन्हें वैसे कैट दिलाऊं, लेकिन मुझे कैट से डर लगता है। सबसे पहले आपके दो जो प्यारे बच्चे हैं फायज़ और अयान, मेरे तरफ से उनको बहुत सारा प्यार देना और थैंक यू सो मच, आप इसके लिए हमें काबिल समझे। तो बच्चों को जो है अक्सर कैट बहुत ही पसंद आते हैं। मैंने जो है बच्चों के लिए लिया नहीं था, वैसे मैं खुद के लिए लिया था। मुझे कैट्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लगातार 7 ईयर से जो है वेट कर रही थी कि मेरी भी जो है एक पेट हो, और बच्चे थे तो बच्चे बड़े होने में टाइम लगा। उसके लिए जो है मुझे मेरे हस्बैंड ने पेट जो है ख़रीद कर नहीं दिया। इस पेट के लिए मैंने 7 ईयर्स इंतज़ार किए हैं, और जब बच्चे थोड़े से समझदार हो चुके फिर मेरे हस्बैंड ने 2019 को ये पहला गिफ्ट मुझे मिला और मैंने आपसे शेयर भी किया था। मेरे मायके में भी 2 पेट्स है, उनका नाम भी मैंने शेयर किया था विद पिक्चर्स। पहले 2 थे, अब 4 हो चुके हैं, और चारों जो हैं पर्शियन हैं, बहुत प्यारे हैं। अब बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं, वो डरने की कोई बात नहीं, कोई हार्म नहीं करते हैं पेट्स, बस उनको जो है अच्छी तरीके से जो है ट्रेनिंग देनी है, बस इतना ही। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये छोटा सा व्लॉग होने वाला है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।